हाँ पक्का, अब बोलो हाय हाय गाइस गाइस। हे गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो एंड दोज हु आर न्यू, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए फिर आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं, मतलब उठाने चलते हैं, सुबह हो गई है। ज़ैनब, हाँ आप पहले से उठ गए हो? ज़ैनब आप उठ गए हो? बैठू? और मम्मा सोची कि अभी तक आप उठे नहीं हो? हाँ मम्मा सोची आर स्टिल स्लीपिंग। देखो सुबह सुबह इसको या चाहिए, कितना बुरा असर पड़ता है बच्चों पर मोबाइल का देख लो। कैप लगा रहे हो? कैप लगा रहे हो? ओ माई गॉड, ज़ैनब खुद से कैप लगा ली, बट तू गलत लगा ली हो। हाँ अब ठीक है। वाओ वाओ, आई अपना ट्रक ले आओ, ट्रक ट्रक ट्रक। हाँ जी आई अ चलो ब्रश ही करेंगे, ब्रश ब्रशी ब्रश ब्रशी ब्रश ब्रशी ब्रश। ज़ैनब ब्रशी कैसे करते हो आप? कैसे करते हो ब्रशी? ब्रशी कैसे करते हो? अच्छा बोलो मम्मा, आई लव यू, पहले बोल देती हो। पापा? नो 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 नो, बोलो मम्मा आई लव यू। मम्मा मैं हूँ। पापा शोर है पता है, ये इतना सुबह सुबह तंग करी, इतना सुबह सुबह तंग करी कि मुझे दूसरे रूम से इस रूम में आना पड़ा है। मैं यहाँ पे अपनी स्किन पे निविया का बेबी क्रीम लगा रही हूँ, क्योंकि आपकी स्किन को भी केयर की ज़रूरत होती है। तो मैं मॉर्निंग में सुबह सुबह फ्रेश होने के बाद, फेस वॉश करने के बाद निविया बेबी क्रीम लगाती हूँ। ये ज़ैनब का क्रीम है, मैं भी यूज़ कर लेती हूँ, मेरी स्किन को भी बहुत सॉफ्ट रखता है। ऐसे पकड़ो, हाँ पकड़ो 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 पकड़ो। अब बोलो हाय हाय गाइस गाइस। तुम व्लॉगिंग करोगी? तो ज़ैनब अभी ब्रश ही करेगी, लो ज़ैनब ब्रश ही कर लो, अच्छे से करना। नो 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 नो, टंग ऐसे करो। कैसे करते हो मुझे करके दिखाओ। मैं ज़ैनब के लिए यूज़ करती हूँ ये मामा अर्थ का टूथपेस्ट, क्योंकि ये बच्चों के लिए अच्छा है। हम जो पेस्ट यूज़ करते हैं वो बच्चों को नहीं देना चाहिए, हम जो पेस्ट यूज़ करते हैं वो बच्चों को नहीं देना चाहिए। और क्या है, बहुत है उसमें। चलो ब्रश ही करो, अच्छे से ब्रश ही करो, नानू देखते हैं तुमको। ज़ैनब बहुत अच्छी बच्ची है ना? यस, ये ज़ैनब की बेबी है, देखो ये हंसती भी है। नहीं हंस रही ज़ैनब, जो खराब हो गई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अच्छा लग रहा है। चुप कराओ उसको, चुप कराओ चुप कराओ, बहुत हंसती है बहुत हंसती है। नहीं उसको ब्रश नहीं करना है, उसको ब्रश नहीं करना है। ये सो क्यूट। सो मैं ज़ैनब के लिए अब जा रही हूँ चीला बनाने के लिए। चीला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे फिगारो को ऑलिव ऑयल यूज़ किया है, था क्योंकि ये बच्चों के स्टमक के लिए अच्छा है। मस्टर्ड ऑयल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है हमारी बेबी के लिए। और यहाँ पे हो गया ज़ैनब का चीला रेडी। सो फाइक भी उठ गया है, तो यहाँ पे मैं फाइक का चीला बना रही हूँ मस्टर्ड ऑयल में, क्योंकि वो खा सकते हैं। एंड चलो फिर उन्हें फटाफट से दिया जाए ब्रेकफास्ट। जल्दी जल्दी फिनिश करो ना, क्या सोच में पड़ गई? ओफो ज़ैनब, चलो जल्दी खाओ। ताता नहीं, फिनिश करो, फिनिश, बेबी को नहीं खिलाओ, फिनिश करो। ठीक है मैं इसे फिनिश करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ, इसको फिनिश करा देती हूँ पहले। मैंने यहाँ पे दिया ना तुम्हें बाइट, यहाँ पे दिया। 1 2 ज़ैनब ये तुमको तैयार करेंगे ना।
1, 2, 3 Yes, Zainab is ready. So, मैंने एक ड्रेस नायका से मंगाया था. ये एक्चुअली ना उसमें भी दिखा रहा था मिंत्रा में, बट मिंत्रा में इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी और नायका में वही प्राइस में दे रहा था सेम. तो ये है वो ड्रेस, मुझे बहुत अच्छा लगा. तो मैं आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ कि ड्रेस कैसा है. सो ड्रेस कुछ ऐसा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी मुझे फिटिंग करानी पड़ेगी. और ये इसका दुपट्टा है. आई डोंट नो कि मेरे में ये कैसा लगेगा, बट मुझे ये बहुत अच्छा लगा था. इसकी क्वालिटी जो है कपड़े की बहुत अच्छी है. दिस इज दुपट्टा. इस कपड़े की क्वालिटी मुझे बहुत 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 अच्छी लगी. बहुत सॉफ्ट है और बहुत, ये देखो, दिस इज प्लाजो. प्लाजो भी बहुत अच्छा है. इसके नीचे मस्त ऐसा सा लेस दिया हुआ, ऐसा बहुत प्रिटी. कलर भी इसका बहुत प्रिटी है, ये खुद भी बहुत प्रिटी है. तो मैं सोच रही हूँ कि आज फ्राइडे है तो क्यों ना आज इसे पहना जाए. तो चलो फिर इसे पहनते हैं. आज फ्राइडे में न्यू. तो मैं जल्दी जल्दी से नहा लेती हूँ, देन आज इसे पहन. बट ये मेरे ख्याल से आप लोग कमेंट करके बताना कैसा लगा कुर्ती आप लोगों को. मुझे तो बहुत अच्छा लगा. सो आप लोग भी ज़रूर मुझे बताना कि कैसा लगा आप लोगों को. ओके, कमेंट में ज़रूर बताना. तो मैं अभी अपने लिए बनाने जा रही हूँ कॉफ़ी. बहुत ज़्यादा मुझे मन कर रहा है, अभी ठंडा मौसम है ना, तो मुझे कॉफ़ी बनाने का मन कर रहा है. सो हेयर इज माई कॉफी एंड चलो छत पे चलते कपड़े वपड़े उठा लेते हैं, कि सैदर टिकाने में होगा लेट. सो हम अपने कपड़े उठा लेते हैं. अपना काम कभी खुद भी करना चाहिए क्यों. सो मैंने यहाँ पे अपने कपड़े भी उठा लिए और प्लांट्स में भी पानी मैंने डाल दिया है. और अब मैं नीचे जा रही हूँ चिकन पकौड़ी बनाने के लिए. फाइव का बहुत मन था, वो चिकन लेकर के आए थे. तो यहाँ पे मैंने अरारोट पाउडर, मैदा, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, चिल्ली पाउडर और अंडा, जीरा गोलकी, ये सब डाल लिया. और इसमें मैं डालती हूँ चिल्ली सॉस और टमाटो सॉस. इससे हमारा चिकन पकौड़ा बहुत अच्छा बनता है. इससे पकौड़ी बहुत अच्छी बनती है. और हमारा पकौड़ी हो गया रेडी. सो मेरी चाय, और चाय के साथ मैं करती हूँ वीडियो को एंड. आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा. और अच्छा लगा ही होगा यार, क्यों नहीं लगेगा. सो अगर अच्छा लगा तो लाइक करो. और मेरे चैनल को देखना चाहते हो और भी आगे मेरे वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको मिलती रहे. और गर्मा गर्म चाय पीते हैं, पकौड़ी और चाय, हाँ मज़ा ही आ जाता है नहीं. और पकौड़ी मेरा बहुत अच्छा बना था, हस्बैंड को बहुत पसंद आया. तो हाँ, अगर हस्बैंड को आपको वश में करना है, अगर काबू में रखना है, आप चाहते हैं कि आपसे हमेशा खुश रहे, तो आप उसकी पसंद की चीज़ें बनाते रहें बीच बीच में, तो वो खुश होते रहेंगे. और क्या. चीयर्स. तड़ा बाय बाय. अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.